हाय एवरीवन, मैं सुधीर और आप सभी का कोटा किंग ऑफिशियल पर स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर विषय पढ़ रहे हैं। इसके पहले कक्षा में मैंने कंप्यूटर का उद्भव और विकास आपको पढ़ाया और साथ में वहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं मैंने आपको उन सारे प्रश्नों से भी परिचित करवाया। और अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कंप्यूटर की परिभाषा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर की परिभाषा। पर कंप्यूटर की परिभाषा शुरू करने से पूर्व सबसे पहले कंप्यूटर विषय के अंतर्गत यहाँ पर आपको मुख्यतः दो शब्द आपको देखने को मिलते रहेंगे और इन शब्दों से आपको परिचित होना आवश्यक है। एक है डाटा और दूसरा है इंफॉर्मेशन। हिंदी में यदि कहा जाए तो इसे कहा जाता है आंकड़ा और सूचना। अब आंकड़ा हम किसे कहें या आंकड़ा क्या होता है या सूचना हम किसे कहें या सूचना क्या होता है, तो आइए देखें। तो आंकड़ा जो होता है कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस करने से पहले जो सारे तथ्य होते हैं उन्हें कहा जाता है कि वो क्या है, आंकड़ा है या वो डाटा है। पर वो व्यवस्थित रूप में नहीं होता है क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा अभी तक उन सारे तथ्यों पे प्रोसेस की प्रक्रिया नहीं की जा सकी है। और लेकिन जब कंप्यूटर के द्वारा उन तथ्यों का प्रोसेस हो जाता है तो प्रोसेस करने के बाद जो हमें परिणाम प्राप्त होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि वो सूचना है। तो सरल शब्दों में यदि कहा जाए कि कंप्यूटर के प्रोसेस करने से पहले जो सारे तथ्य होते हैं उन्हें तो आंकड़ा कहा जाता है, पर प्रोसेस के बाद अर्थात कंप्यूटर के द्वारा तथ्य का प्रोसेस करने के बाद हमें जो परिणाम प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि वो सूचना है। आगे चल के हम परिभाषा में देखेंगे कि किस प्रकार कंप्यूटर जो है आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करता है और इस प्रक्रिया को EDP कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होगी कि आंकड़ा क्या है, क्योंकि ये शब्द जो है कंप्यूटर विषय हमने पढ़ना प्रारंभ किया इसके मुख्य खंड को, तो आप देखेंगे क्या कि ये दोनों शब्द जो है आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे अंग्रेजी में इसे कहा जाता है डाटा आंकड़ा को और इन्फॉर्मेशन सूचना को कहा जाता है इन्फॉर्मेशन। तो ये बातें आप दोनों ध्यान रखेंगे। मैं आपको फिर से स्पष्ट कर दूं कि प्रोसेस करने से पूर्व जो सारे तथ्य हैं वो क्या कहलाएंगे, आंकड़े कहलाएंगे। ये व्यवस्थित आपको नहीं देखने को मिलेंगे, अव्यवस्थित रूप में आपको देखने को मिलेंगे ये सारे तथ्य। लेकिन प्रोसेस कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस करने के बाद हमें जो परिणाम प्राप्त होता है उन्हें क्या कहा जाता है कि वो सूचना है। और ये जो सारे तथ्य होंगे कंप्यूटर के प्रोसेस करने के बाद अब ये सारे जो तथ्य होंगे वहाँ व्यवस्थित क्रम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अपने मुख्य हम लोग कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, किसे हम कंप्यूटर कहें, आइए इसे हम देखते हैं। यहाँ बात कर सकते हैं कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहें हम, इसे हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यदि मैं आपसे पूर्व प्रश्न पूछूं कि बताइए कंप्यूटर क्या है, तो आप में से कई लोग कहेंगे कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो गणितीय और तार्किक दोनों प्रकार की गणनाएं कर सकता है। गणितीय गणना का तात्पर्य यह हुआ कि जोड़ घटाओ गुना भाग, इस प्रकार की जो गणितीय गणनाएं होती है ये कंप्यूटर कर सकता है। पर यहाँ पर तार्किक गणना का अर्थ क्या हुआ, तो तार्किक गणना का अर्थ हुआ कि दो ऑब्जेक्ट के मध्य में तुलना करना, अर्थात हमारा वर्तमान का कंप्यूटर दो ऑब्जेक्ट के मध्य में तुलना कर सकता है। एक उदाहरण से इसे मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। यदि कंप्यूटर का आप दो अंक दे 2 और 3 तो ये क्या कर सकता है, यह तुलना कर सकता है इन दोनों अंकों के मध्य में और यह बता सकता है कि 2 जो है ना छोटा है 3 से या 3 जो है 2 से बड़ा है। इस तरह से
तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि अधिकतर टाइम कुछ इस प्रकार के गणितीय समीकरण आपको देखने को मिलेंगे, सूत्र देखने को मिलेंगे इस प्रकार के, अर्थात बड़ा छोटा और बराबर, इस प्रकार की यह तुलना कर सकता है दो अंकों के मध्य में या दो ऑब्जेक्ट के मध्य में जो कंप्यूटर है तुलना कर सकता है। और यही गुण जो है कंप्यूटर का, हम इसे कह सकते हैं कि यह कंप्यूटर का सबसे बड़ा गुण है कि कंप्यूटर के द्वारा तार की गणना किया जा सकता है। आज तक मानवों के द्वारा जो मशीन बनाया गया उसमें सिर्फ केवल कंप्यूटर ही है जो तार की गणना करने में सक्षम है। आइए हम परिभाषा के अंतर्गत ही कुछ अन्य बातों के कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, जैसे कि कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करता है। आंकड़ों को भी मैंने बताया कि आंकड़ा क्या था, कि आंकड़ा जो था वो क्या था कि कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस करने से पहले जो सारे तथ्य होते हैं, पर ये सारे जो तथ्य होंगे अव्यवस्थित रूप में देखने को मिलेंगे, तो इन्हें कहा जाता है आंकड़ा। पर इन तथ्यों का कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस करने के बाद हमें जो परिणाम प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं सूचना। और सूचना जो होता है तथ्यों का व्यवस्थित रूप होता है। तो हम यहाँ पर देखिए कि कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करता है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अंग्रेजी में आपको शॉर्ट फॉर्म में आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि बताइए EDP का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ याद आप रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो आंकड़ों को सूचना में परिवर्तन की, कंप्यूटर के द्वारा जब आंकड़ों को सूचना में परिवर्तन किया जाता है तो इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। आइए आज हम बात करते हैं दूसरे भाग में, और हम यहाँ पर देखेंगे बात करेंगे कंप्यूटर की विशेषता के बारे में। कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या है, कंप्यूटर के गुण क्या क्या है, तो हम इसे एक एक करके देखते हैं। तो कंप्यूटर का पहला जो प्रॉपर्टी है वो है इसकी गति। वर्तमान समय के जो कंप्यूटर हैं वो 3 गीगाहर्ज की गति से कार्य करते हैं, अर्थात या प्रति सेकेंड 3×10⁻⁹ गणनाएं कर सकता है। अर्थात आप देख सकते हैं कि यह कितनी सारी गणनाएं केवल और केवल एक सेकेंड में कर सकता है। दूसरी विशेषता है कंप्यूटर की एक्यूरेसी अर्थात शुद्धता। आप जानते हैं कि वर्तमान समय के कंप्यूटर बड़ी शुद्धता के साथ में कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा गलतियां की संभावना बहुत ही निम्न होती है, बहुत ही कम होती है। गलतियां हमेशा जो ऑपरेटर के द्वारा आपको देखने को मिलेगी। कंप्यूटर जब भी कोई कार्य को यदि आप देंगे तो कंप्यूटर जब प्रोसेस करेगा तो वहां पर आपको गलतियां देखने को नहीं मिलेगी। तो कंप्यूटर की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता हो जाती है उसकी शुद्धता, कि पूरी बड़ी शुद्धता के साथ में यह कार्य कर सकता है। दूसरा कंप्यूटर की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है वो है इसकी संग्रहण करने की क्षमता अर्थात मेमोरी। कंप्यूटर जो है बड़ी मात्रा में सूचनाओं को, डाटाओं को स्टोर कर सकता है। यह है कंप्यूटर की तीसरी बड़ी विशेषता। चौथा यदि हम बात करें तो कंप्यूटर की चौथी विशेषता क्या है, चौथी विशेषता है इसकी बहुरूपी होना अर्थात वर्साटाइल है। ये वर्तमान समय कंप्यूटर वर्साटाइल है अर्थात कि यहाँ पर ये कई प्रकार के कार्य कर सकता है। उदाहरण के तौर पे वर्ड में यह जाकर के आपके लिए दस्तावेज बना देगा, एक्सेल में जाकर के ये आपके लिए स्प्रेडशीट बना देगा, पावर पॉइंट में जाकर के यह आपके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करवा देगा, आप प्रेजेंटेशन वहाँ जाकर तैयार कर सकते हैं, या अन्य कई काम वेब ब्राउजर पे जाकर के आप सर्फिंग कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, और ना जाने ऐसे कई कार्य आज का कंप्यूटर कर सकता है। इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर एक वर्साटाइल है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कंप्यूटर जो है कई सारे कार्य कर सकता है। लॉजिक, अब यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूँ कि वर्तमान समय की कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, हमने अन्य विशेषताओं को तो देखा, स्पीड देखा, एक्यूरेसी देखा, मेमोरी देखा, और देखा कि ये वर्तमान समय का कंप्यूटर वर्साटाइल भी है, ये भी इसका एक गुण है। पर
यदि मैं प्रश्न ये पूछूंगा कि कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो ये है लॉजिक। अर्थात वर्तमान समय का कंप्यूटर दो ऑब्जेक्ट के मध्य में तुलना कर सकता है, और यही गुण जो है कंप्यूटर को मानव के द्वारा बनाया गया अन्य मशीन से ज़्यादा मानवों के द्वारा जो अब तक मशीन बनाया गया है उससे इसे अलग बनाता है, क्योंकि एकमात्र आज तक मशीन का निर्माण हुआ है जो लॉजिकल गणना करने में सक्षम है, तार्किक गणना करने में सक्षम है। मैं लॉजिकल के बारे में आपको बताया कि लॉजिकल का तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय का जो कंप्यूटर है वह दो ऑब्जेक्ट के मध्य में तुलना कर सकता है। अब यहाँ पर इसे देखें तो आप क्या पाएंगे कि कंप्यूटर स्वयं से, यहाँ पर इसे मैं जरा हटा दूँ और इसको फिर आप देख पाएंगे ठीक से। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर स्वयं से सोच नहीं सकता, ठीक है, लेकिन मानवों के द्वारा निर्देशित किए जाने की स्थिति में निर्णय ले सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर को यदि निर्देशित किया जाए मानवों के द्वारा तो यह स्वयं से निर्णय ले सकता है, और यही चीज इसे बनाता है अन्य मशीनों से अलग। तो ये थी कंप्यूटर की विशेषता। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा के अंतर्गत हमें किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। वैसे आप में से कई लोग कहेंगे कि यहाँ पर क्या प्रश्न बनेगा, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, यह है कंप्यूटर के बारे में निम्न में से क्या सही है। चार ऑप्शन दे रखे गए हैं, आप इसे देखें और बताएं कि कंप्यूटर में क्या सही है, कंप्यूटर के बारे में क्या सही है। तो पहला ऑप्शन आपका है, यह केवल गणितीय गणना कर सकता है। दूसरा, केवल तार्किक गणना कर सकता है। तीसरा जो है आपका ऑप्शन, यह गणितीय तार्किक दोनों प्रकार की गणना कर सकता है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने परिभाषा में देखा कि कंप्यूटर जो है गणितीय तार्किक दोनों प्रकार की गणनाएं कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक आपके एग्जामिनर के द्वारा परिभाषा से यदि प्रश्न बनाना होगा तो साधारण सा प्रश्न यही बनाएगा। और वैसे भी इस ये जो प्रश्न मैंने आपको बताया, ये पिछले एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। आइए कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न आपका हो गया, कंप्यूटर के द्वारा आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ENP कहा जाता है, EDP कहा जाता है, EMP कहा जाता है, या EIP कहा जाता है। तो अभी हमने देखा था कि कंप्यूटर के द्वारा जब आंकड़ों को सूचना में परिवर्तन जब किया जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारा यहाँ पर कौन सा प्रश्न सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए कुछ और प्रश्नों को हम देखें। और ये आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है। तो आप बताइए कंप्यूटर की सबसे बड़ी मुख्य विशेषता क्या है। ये सारी विशेषताएँ ही हैं, सारी विशेषताएँ, स्पीड, मेमोरी, एक्यूरेसी, लॉजिक, पर आप बताइए सबसे मुख्य विशेषता क्या होगा, आप किसे चुनेंगे। यहाँ पर आपका एग्जामिनर फंसा सकता है, पूछ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर की सारी विशेषताएं तो हैं, पर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मुख्य विशेषता की। तो मुख्य विशेषता क्या होगी, लॉजिक। लॉजिक अर्थात दो वस्तुओं के मध्य में, ऑब्जेक्ट के मध्य में तुलना कर सकता है। तो ये था कंप्यूटर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारा तीसरा टॉपिक, जिसमें हमें पढ़ना था कंप्यूटर की परिभाषा और इसकी विशेषता। तो मैंने आपको दोनों से परिचित करवाया, और यहाँ पर मुख्यतः आपको 3% से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं कहना यही चाहूँगा कि अगला हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा कंप्यूटर की आधारभूत संरचना, और हम यहीं पर पढ़ेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में, जहाँ पर हम उसके बेसिक पार्ट्स को देखेंगे, इनपुट डिवाइस को, आउटपुट डिवाइस को, CPU को अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, और साथ में हम देखेंगे मेमोरी को, और हम देखेंगे और वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर को, और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम किन किन प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं हम उनके बारे में जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को यह कक्षा पसंद आया होगा। तो अंत में यह कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया।